धीरे धीरे आगे बढ़े और जो वाहन दूसरे वाले को बाबा का रथ को रोक दिया जाए। आपसे आग्रह है कि जितने भी सदस्य हैं आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास मोटर रूम का चाबी है, जिस व्यक्ति के पास आश्रम के मोटर रूम के चाबी है, तो कृपया आप मोटर रूम के पास जल्द से जल्द जाए। अगर मेरी आवाज क्या भीड़ भाड़ वाले ने चलो तड़ा आगे आगे जितने भी सदस्य है ये से सामने
आपसे जितने भी हमें बैठे हैं मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सुने जाए बजे को एक बजे को आगे ले जाए और लाइन बना के चले। चलो हमारे जितने भी कृपया करके लाइन में लाइन चलाए और किसी माताओं बहनों को चलने में दिक्कत है। गाड़ियों करा के ज्यादा हिलाई मत। अरे अभी भरे वाला का भरे मत। महाराज जी आज कलश यात्रा निकल रही है, काफी लोग उत्साहित हैं, क्या कहेंगे? देखिए कलश यात्रा निकल रही है तो कलश को माथे पर रख करके चलना नदी के किनारे बड़ी भारी सिद्धि के फल है, क्योंकि महामंत्र से ही आदमी जानता है, चलता है, बोलता है महामंत्र के हिसाब से। अब वह महामंत्र पानी से ठंडा होता है और पैर गर्म होता है, तो जिसका पैर गर्म हो जाता है और महामंत्र ठंडा होता है वो अविरल सिद्धि को प्राप्त होता है। अनु ऐसे भी कहा है कि कीप योर फीट वार डेट फूड एंड कॉल द डॉक्टर फूड। अनु कीप योर फीट वार पैर को गर्म रखिए, हेड फूड सिर को ठंडा रखिए और कॉल द डॉक्टर फूड, तो डॉक्टर को मुरुख बनाना है, बढ़वाना है। अनु इसीलिए कलश का दवा का महत्व बहुत बड़ा। आज यहाँ से जलभरी के लिए रथ यात्रा निकलेगी, लोग काफी उत्सुक दिख रहे हैं, क्या कहें? देखिए आज श्रीनाथ बाबा के देख रेख में जलभरी यात्रा निकलने जा रही है, जो बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में सब लोग आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि बहुत ही बड़ा आयोजन होगा। आप जुड़े हुए हैं बहुत, काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, इस तरह का यज्ञ कितने दिन पहले हुआ? यह उत्साह देखने को मिल रहा है, बहुत ऐसा जग बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत उत्साह है। बाबा के जो जग हो रहा है और इनके सानिध्य में हो रहा है, बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि बहुत बड़ा जग होगा। इसका जो है राम के जो परम शिष्य हैं श्रीनाथ बाबा, उनके देख रेख में जग हो रहा है, इसलिए उनके सानिध्य में और उनके देख रेख में जो हो रहा है बहुत बड़ा विशाल जग होगा।